हमरी खातिर तोहरा की दुनिया में भेजवले बड़े है भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा की बनौले बड़े। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये टॉपिक सबको पढ़ना चाहिए। तो आज दिल में एक छोटा सा आपको गीत गाकर सुनाऊं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में एक गाना भी गाता था, भोजपुरी सॉन्ग वगैरह भी। तो मैं टीचिंग के दौरान ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी इंजॉय के लिए। तो आइए समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि लॉजिक गेट अगर आप पढ़ेंगे तो लॉजिक गेट में इन सब का रिक्वायरमेंट होता है। तो लॉजिक गेट है क्या, वो सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ का यूज़ है। जो इन्फॉर्मेशन आईपी लेकर पढ़ाई करते हैं, है ना, आईपी कंप्यूटर की, तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का जिक्र होता है, लॉजिक गेट का भी जिक्र होता है। तो बच्चों आइए बड़े हम शिद्दत के साथ इसे हम पढ़ाई करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो डिजिट होते हैं। अ सिस्टम हैज ओनली टू डिजिट्स। जिसमें कितने डिजिट हों, टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये इसकी बच्चों डेफिनेशन है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डेफिनेशन है, जिसमें दो डिजिट हम लोग यूज करते हैं और उस डिजिट कहते हैं 0 and 1। 0 and 1 ये दो डिजिट होते हैं जिसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। 0 का मतलब जहां पर भी अगर आएगा उसका मतलब होता है वो चीज फॉल्स है, ऑफ है, ओपन है, ठीक है ना, ये सब सही है, लो है। 1 का मतलब ट्रू है, ऑन है मतलब स्टार्ट किया गया है, हाई पर है, हाई पे है मतलब पीक पर है। तो इन सब को हम लोग इन चीज को दिखाने के लिए सिर्फ दो डिजिट यूज करते हैं बाइनरी नंबर में, ठीक है। इसलिए इनका जो बेस होता है, बेस होगा उस बेस को हम लोग कहते हैं कितना होता है, बेस 2 लेते हैं हमेशा। क्या लेते हैं? बेस 2 लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2 यह है डेसिमल नंबर सिस्टम। नोट कर लीजिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये आपका है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने डिजिट हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 को लेकर 10 डिजिट होते हैं। इसलिए डेसिमल का जो बेस होता है, इस बेस को हम लोग कहते हैं कितना, 10। तो जब भी डेसिमल को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम अगर है तो उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है बेस लेकर के, तो 2 रहेगा और उसके पावर कुछ भी रहे हो सकता है ना। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। जैसे लिखा है 8765, ये डिजिट है। अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप इसे लिखेंगे 8000, है ना, पहले लिखेंगे प्लस, इसे लिखेंगे आप 700, इसे लिखेंगे 60, प्लस इसको सिर्फ 5 लिखेंगे। तो 5 क्या है, राइट साइड सबसे लीस्ट डिजिट है, लीस्ट डिजिट, और ये लेफ्ट साइड है 8, ये लीस्ट डिजिट है और ये लेफ्ट साइड जो है हाईएस्ट डिजिट रखता है। मतलब अगर से हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 8 × 10³ लिखेंगे बेटा, 7 × 10² लिखेंगे, इसे 6 × 10⁻¹ लिखेंगे, 5 × 10⁻⁦ लिख देंगे। तो यहाँ पावर देखो धीरे धीरे डिक्रीज करता 0 तक आ रहा है ना। तो इन सब में क्या है, पावर
क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और सब में बेस 10 है, तो ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, सबका बेस क्या है 10 है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग एक और सॉन्ग सुनना चाह रहे होंगे, है ना सर, आप गाते भी हो तो एक गाना और सुना दीजिए। बेटा गाना तो ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। फिजिक्स बहुत ही आसान है, लेकिन दिल से पढ़ो उसे बेटा, जब दिल से पढ़ोगे फिजिक्स तो मजा आ जाएगा। है तो 12 जेई मेंस के लिए, लेकिन सबके लिए जरूरी है ये, इसलिए फिजिक्स बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक। इसलिए एनसीईआरटी से बोर्ड लेवल के लिए रिड्यूस किया गया है, लेकिन कॉम्पिटिशन के उद्देश्य आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल डिजिट सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम कह लीजिए। तो इसमें ये जो है ये लीस्ट है ना, लीस्ट सबसे लीस्ट है, लेफ्ट साइड में है ना, सिग्निफिकेंट है ये, और डिजिट है, तो इसे हम LSD कहेंगे, और इसे कहेंगे ये लीस्ट नहीं है, हाई है, मैक्सिमम है, तो इसे हम मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। वही दूसरी तरफ इसका नाम है लीस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्लियर है। ऐसे अगर हम आपको बताएं, अगर अगर ये डेसिमल तो आपको समझ में आ गया, अगर इसी तरह से बाइनरी को दिखाना चाहें तो बाइनरी कुछ ऐसे लिखेंगे, वन मान लिखा है, वन लिखा है, और वन लिखा है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ बेस हम लगा दिया 2, तो इसे हम ये कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ये 1 है थर्ड प्लेस में ना, तो इसे लिखेंगे क्या, हम क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, 1 लिखेंगे, है ना, इनटू 2 की पावर कितने डिजिट है इसको छोड़ करके, 2 की पावर 2, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, है ना, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 0, तो फाइनली ये कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7। तो ये जो हमारा है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये इतने के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कन्वर्ट भी किया सकता है, और इनको हम लोग कहते हैं बिट्स। ये सब क्या है, ये है आपके बिट्स। तो बिट्स कितने हैं इसमें, अगर बिट्स की बात करें तो बिट्स में कितने हैं 3, और इनके जो ग्रुप है इनका सेट, बिट्स का सेट, ये बिट्स है, ये भी बिट्स है, ये भी बिट्स है, इनके सेट को हम लोग कहते हैं बाइट। बाइट क्या कहते हैं, बाइट या वर्ड कहते हैं, या इसी को कोड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोड, ठीक है। इन सब का यूज हम लोग करेंगे लॉजिक गेट में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बाइनरी नंबर सिस्टम समझ चुके होंगे, इसमें 2 डिजिट होती है 0 और 1, और यह डेसिमल डिजिट है ना, इसमें भी क्या है, लोवेस्ट है, लिस्ट है, ये हाईएस्ट है ना, LSD और NSD। LSD का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, यही है आपका बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो मजा आया होगा आप लोग को फिजिक्स का ये टॉपिक पढ़ने में। तो ये लॉजिक गेट का सेकंड लेक्चर है, इसके आगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करना, और उसका ऐड क्या होता है, सब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इंतजार करिए, किसी और सॉन्ग के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। बच्चों पढ़िए अच्छे से, आप लोग दिल लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।